अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिला आलो से तकरीबन 27 किलोमीटर दूरी पे कांबा और कामगी बसा हुआ दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामगी यमगो नदी के किनारा बसा हुआ आज 2023-24 का स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हो रहे हैं और इस बीच हमने दौरा किया कि सभी छात्रा छात्राओं को आप सभी को दिखाने के प्रयास किए हैं और सभी लोग उल्लास थे और सभी लोग लंबे कतारें लगा हुआ था, सभी लोग सवेरे से लाइन लगा हुआ था, सभी छात्राओं ने अपना अपना वोटिंग का हक देने के लिए और सब भी उल्लास और सब खुशहाल नज़र आए। और जब हमने वहाँ पहुँचा जैसे ही कैमरा ऑन हुए तो यूट्यूबर को उन लोगों ने सराहना की और काफ़ी मज़ेदार के साथ उन लोगों ने स्वागत किया और हमने भी आपको दिखाने के लिए कोशिश की कि रोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामगी के छात्रा छात्राओं ने किस तरह से इलेक्शन में अपना वोट देते हैं, अपना नेता चुनते हैं छात्र संघ के स्टूडेंट्स यूनियन के। बता दूं दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज पश्चिम सियांग में कामगी में बसा हुआ कांबा सर्कल में है, सरकारी कॉलेज है। देखो हैंडसम लड़का लोग डीपी जैसे काम कर रहे हैं, पोलिंग एजेंट ये देखो सब अच्छा अच्छा स्टूडेंट लोग हैं, दूसरा कॉलेज का जैसा नहीं है, सब डिसिप्लिन। सुरक्षा का भी काफ़ी इंतजाम किए गए थे, बंदोबस्त किए गए थे और ताकि लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो और सभी पुलिस कर्मी और कंपास आज आलू से आया हुआ है अपना कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। इस वक्त मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि लंबे कतार की लाइन और बिल्कुल सवेरे 8 बजे से 3 बजे तक खड़े किए हैं, बिल्कुल उल्लास के साथ आप देख सकते हैं सभी आपने अपनी लाइन पर खड़े हैं। बता दो इस वक्त फर्स्ट सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर और फिफ्थ सेमिस्टर के सभी छात्र छात्राओं के बीच यहाँ हम आए हैं और इन लोगों को देखने की कोशिश की। आप देख सकते हैं यहाँ सवेरे से उन्होंने रुका हुआ और कुछ लोग तक भी गए हैं, फिर भी उन लोग अपना खुशी के चेहरे दिखा रहे हैं और ये देखिए बहुत ही उल्लास के साथ। कुछ ही देर बाद मैं आप सभी को आगे की ओर दिखाऊँगा, अंदर की ओर दिखाऊँगा, तब तो बाहर का नज़ारा है। आप वीडियो पर हम तक बने रहिएगा। तो हम अभी अंदर की ओर जाने की कोशिश की है तो अंदर की माहौल इस तरह है, फर्स्ट सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर और फिफ्थ सेमिस्टर और यहाँ कड़ी निगरानी के साथ और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर सभी लोग यहाँ अपना अपना काम पे डटे हुए हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और यहाँ ऑब्जर्वर प्रिंसिपल यहाँ बैठे हुए हैं और ये पोलिंग बूथ है। यहाँ देखिए बैलेट 1, बैलेट 2, बैलेट 3 और हर एक बैलेट में आप डाल सकते हैं अपना अपना, वहाँ से बूथ लेवल पे जाके आप वहाँ पे अपना परिचय दिखाएंगे, अपना पहचान पत्र दिखाएंगे। ये देखिए प्रोफेसर और ये मैं कॉलेज के छात्र छात्राओं और ये काफ़ी अंदर में भी काफ़ी हंसमुख है, इन लोग बाहर में थोड़ा शर्म करते थे और आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये फिर मैंने बाहर आया और आधा अधूरा को आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। देखिए बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत कॉलेज के लड़कियाँ और अब हम बाहर की ओर वापस आए हैं और फिर से आपको सही ढंग से दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए अब मैं पीछे तरफ से आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ उन लोग कितने इंटरेस्ट के साथ, कितने मतलब अपना हक को जताने के लिए यहाँ उन लोग आए हुए हैं। देखिए अब हम आप सभी को अंदर की ओर ले चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता।
सर हाँ हाँ बोलिए। ये बड़ा सा बहुत ज़्यादा लेते हैं यहाँ का बस भी बहुत पॉलिटिकल साइंस री ओरिज पॉलिटिकल साइंस री ओरिज 208 सीरियल नंबर 208 दाकिन कायोर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अंदर में भी लंबे कतार के लाइन हैं और एक एक करके इन सभी का जो हो चुके हैं एंट्री और अपना पहचान पत्र दिखाने का बाद और एनरोलमेंट लिस्ट में ई रोल में जितने भी दिखाने का बात कर अपना वोटिंग करने के लिए हक दिखाने के लिए पूरे तैयारी कर फिर से अपने तकरीबन दोपहर हो चुके हैं और सवेरे से थोड़ा कम हो चुके हैं। अब देखिए फिर भी उन लोगों का उल्लास जो है कम नहीं है। देखिए अब उन लोग फिर से लंबे कतार और ये देखिए उन लोग जो अभी तक जिन्होंने वोटिंग नहीं किए थे पूरे में तकरीबन हज़ार की संख्या में है और अंतिम चरण में पता चल कितने लोग वोट किए। अब दोपहर हो चुके हैं, अब लंच ब्रेक की तैयार हो चुके हैं, वक्त हो चुके हैं, भोजन का समय है और अब विराम ले चुके हैं। अब देखिए पूरे आगे पीछे और पूरे सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं या वॉलंटियर्स निगरानी रख रहे हैं कि और वीडियोग्राफी भी हो रहे हैं प्रोफेसर लोग ताकि कोई भी मौका ना दे कि कोई वहाँ पे गंडगोल ना हो। आप देख सकते हैं अब प्रोफेसर पोलिंग ऑफिसर सभी लोग यहाँ और पुलिस कर्मियों सभी लोग अब भोजन करेंगे और ये देखिए घर से खाना पकाया वाला और वॉलंटियर्स यहाँ लगातार और भोजन के साथ हम शुरू करने वाले हैं और यहाँ कुछ प्रोफेसर्स शर्मा रहे हैं अपना शक्ल दिखाने के लिए और वॉलंटियर्स आप देख सकते हैं बहुत ही उल्लास के साथ। थकान का कोई नाम नहीं है, हार का कोई नाम नहीं है, हर वक्त जीत का ही नाम है कि कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये देखिए थकान हो चुके हैं मगर फिर भी ये देखिए अब तकरीबन 3 बजने तक भी उन लोग अब हार नहीं। सवेरे याद रखिएगा सवेरे 7:30 से उन लोग तैयारी कर चुके हैं और 7 बजे उन लोग पहुँचे हैं। देखिए अब तक उन लोगों का हौसला बुलंद है देखिए और अपना काम निरंतर जारी रखते हुए कि आज का दिन उन लोगों ने तय कर लिया कि हर हाल में काम ख़त्म करेंगे। और आखिरी चरणों में आप देख सकते हैं देखिए अब ये सीलिंग के काम हो रहे हैं, यहाँ चिपकाए जाएंगे पूरे सुरक्षा के साथ और ये सभी के सिग्नेचर के साथ यहाँ पोलिंग एजेंट के साथ और प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर और यहाँ सीलिंग हो रहे हैं और सभी वीडियोग्राफी आप देख सकते हैं
यहाँ कोई भी सुरक्षा का कोई चूत नहीं है, कोई घफलाबाजी नहीं होंगे। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी 100% और बिल्कुल ऑनलाइन आप देख सकते हैं। और हमें भी इजाज़त दी है वीडियोग्राफी करने के लिए, और इसी तरह से ब्लॉक 1, 2, 3 को बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के साथ सीलिंग किए गए हैं। और यहाँ देखिए, और इसके साथ ही साथ फिर इसके ऊपर और सीलिंग किए जाएंगे और बंद जाएंगे। और देखिए, और बिल्कुल यहाँ अब सूत्रों के हवाले से और ऑफिशियल के मुताबिक पता चला है कि 941 वोटर्स थे, 941 तकरीबन 1000 के बीच, और करीबन 700 से ज़्यादा वोटिंग किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं अगले दिन इसका काउंटिंग किए जाएंगे। देखिए किस तरह से सीलिंग किए जाते हैं, और ये देखिए पूरे उन लोगों के साथ, पोलिंग एजेंट के साथ। और जैसे ही सीलिंग ख़त्म हुआ, शाम ढलते गया, अब रवाना हो गए पुलिस स्टेशन की, और जितने भी बैलेट बॉक्स होंगे अब पुलिस स्टेशन की ओर ले जाएंगे और पुलिस स्टेशन में ही रखेंगे, और अगले दिन इसका काउंट किया जाएंगे। और काउंट करने तक हम फिर इंतज़ार करेंगे। वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।